हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ आज एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी रूट टचअप कैसे करना है। सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालना है। देखिए मैंने कैसे किया है। इस वीडियो की हेल्प से आप घर पे किसी का भी रूट टचअप कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले मैंने फ्रंट पे कलर लगाया है। देखिए आप फ्रंट का एरिया पहले कवर कर लेंगे, इससे क्या होगा फ्रंट का कलर अच्छा आएगा। इस कलर को हम 45 मिनट्स रखेंगे। ये देखिए सबसे पहले मैंने फ्रंट पे लगाया, उसके बाद बैक साइड में लगाया, इसके बाद मैं ईयर के पास लगाऊंगी जो छोटे हेयर होते हैं। ये देखिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। देखिए कई बार क्या होता है कान के पास हमारे छोटे छोटे हेयर होते हैं वो रह जाते हैं, उनको मैंने ऊपर की साइड ब्रश की हेल्प से कलर अप्लाई किया है। ये देखिए आपको भी इसी तरीके से लगाना है। फिर मैंने एक छोटा पार्टीशन निकाला, पीछे की साइड हेयर कर दिए हैं। अगर आगे की साइड करेंगे तो ईयर पे कलर लग जाता है, ये देखिए, इसलिए मैंने पीछे की साइड हेयर डाल दिए। अब देखिए फिर मैं एक पार्टीशन निकालूंगी, फिर कलर अप्लाई करूंगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप पार्टीशन निकालें तो पतला निकालें, कम निकालें पतला निकालें। उससे क्या होगा कम बाल आएंगे और कलर अच्छे से लगेगा, वाइट ईयर कवर हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए छोटा पार्टीशन निकाल रही हूँ मैं ताकि कलर अच्छे से चढ़ जाए और एक भी वाइट ईयर ना रहे। ये देखिए कितने कम बाल लेके मैंने कलर अप्लाई किया है, इससे एक भी वाइट हेयर नहीं बचेगा, सब अच्छे से लग जाएगा। इसी तरीके से आपको बैक से दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाना है और बैक साइड में भी इसी तरीके से लगाना है, कम कम पार्टीशन लेके। इसके बाद देखो मैंने कॉम्ब कर दिया है, कॉम्ब करके सारे बाल पीछे की साइड कर दिए हैं। ये देखिए आपको भी इसी तरीके से करना है, इस तरीके से करेंगे तो कलर अच्छे से लगेगा। ये देखिए मैंने फ्रंट पे और अप्लाई कर दिया है ताकि कोई भी एक आधा बाल रह गया हो तो वो अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए आप, अब मैंने इस साइड से कलर स्टार्ट किया है लगाना, सेम वही प्रोसीजर जैसे उस साइड किया था वही इस साइड से करना है। सबसे पहले ईयर के पास लगाना है, फिर बैक साइड में भी उसी तरीके से लगाना है। देखिए थोड़े थोड़े पार्टीशन लेके मैंने कलर अप्लाई किया है। देखिए आप, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इससे इसको देख के आप घर पे किसी का भी कर सकते हैं। ये देखिए आप ऐसा ब्रश ले लेना, इस ब्रश के बैक साइड से आप पार्टीशन निकाल सकते हैं, उससे ईजिली निकलेगा। या आप कोई टेलकॉम भी ले सकते हैं, उसकी हेल्प से पार्टीशन निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा हेड कवर हो गया है। देखिए मैंने कितने छोटे छोटे पार्टीशन लेके कलर अप्लाई किया है। इसी तरीके से आपको भी करना है कलर अप्लाई। इस तरीके से हमारा ये रूट टचअप कंप्लीट होता है। लास्ट में मैंने फिर से थोड़ा बहुत अप्लाई कर दिया था कहीं कोई हेयर रह ना जाए। ये देखिए ये देखिए अब बैक साइड में भी मैंने थोड़ा कलर लगा दिया है, कोई बाल रह ना जाए। इसके बाद मैंने कॉम करके पीछे इनके हेयर टाई कर दिए हैं और 45 मिनट्स के लिए इनको रख दिया है। ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। You said